दोस्तों आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज के इस एपिसोड में हम एशिया के सबसे मॉडर्न देश के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है सिंगापुर। दोस्तों सिंगापुर का अर्थ होता है शेरों की भूमि। वर्ल्ड में सिंगापुर के लोग सबसे तेज पैदल चलते हैं। वैसे तो ये शेरों की भूमि है, पर असल में यहाँ एक भी शेर देखने को नहीं मिलता और इस देश को सबसे ज्यादा यहाँ की खूबसूरती और बिजनेस सेंटर के लिए जाना जाता है। दुनिया चौक जाती है। दोस्तों सिंगापुर की कुल जनसंख्या तकरीबन 60 लाख है, लेकिन ये इतना साफ और सुंदर है कि हर साल आबादी से दो गुना लोग सिर्फ घूमने आ जाते हैं। तो और ये कंट्री दुनिया के अमीर देशों में गिनी जाती है। सिंगापुर के और ये देश रहने के लिए काफी महंगा है। दोस्तों यहाँ पर रहने वाला हर छठा व्यक्ति मिलीनियर होता है। यहाँ पर हर चीज तरक्की कर रही है, बस एक चीज को छोड़कर, और वो है जनसंख्या। यहाँ के कुल बल्कि हालात तो ये है कि पॉपुलेशन बढ़ने की जगह घटती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ की सरकार काफी चिंतित है। और इसके लिए सिंगापुर की सरकार अपने कर्मचारियों को एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी भी देती है, ताकि पत्नी पति मिलकर बच्चा पैदा करने की प्लानिंग कर सके। दोस्तों सिंगापुर के साथ साथ मिशिगन में एक ऐसी जगह है जो अपने आप में एक भूतिया स्थानों में से एक है, सबसे छोटे देशों और इस जगह का नाम भी सिंगापुर की बात करें तो ये अधिकांश लोग अपने जीवन में चिड़ियाघर जरूर जाते हैं, लेकिन नॉर्मल दुनिया के सभी चिड़ियाघर दिन के समय खुलते हैं। सिंगापुर का द नाइट सफारी चिड़ियाघर इस पूरी दुनिया का पहला ऐसा चिड़ियाघर जो दोस्तों दिन के साथ साथ रात में भी आने जाने वाले लोगों के लिए खुला रहता है। सिंगापुर में साफ सफाई और इस देश में पानी मलेशिया से, दूध फल सब्जियां न्यूजीलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से, दाल और चावल अन्य दैनिक उपयोग की चीजें थाईलैंड और इंडोनेशिया से आयात करी जाती हैं। दोस्तों यहां पर अश्लील मूवी देखने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। इसी के साथ ही यहां पर सड़कों पर कचरा फैलाना, अपने बाहर घर के बाहर आधे नंगे होकर खड़ा होना या अर्ध नंगे होकर अंग प्रदर्शन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। दोस्तों साल 2007 में ही इस देश में ओरल सेक्स को बैन कर दिया गया था। इसके अलावा ये कंट्री उन देशों में गिनी जाती है जहां के मैरिज गैर कानूनी मानी जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करिए। दोस्तों सिंगापुर 63 छोटे बड़े आईलैंड को मिलाकर बना है। अगर इस देश का एरिया देखा जाए तो ये काफी कम है, जो कि भारत से लगभग 4400 गुना छोटा है। और इस देश का क्षेत्रफल 728 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों सिंगापुर इस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो आजाद ही नहीं होना चाहता, बल्कि इसे तो जबरदस्ती मलेशिया से अलग कर दिया गया, जबकि सिंगापुर के लोग मलेशिया के साथ ही मिलकर रहना चाहते थे। सन 1965 में मलेशिया ने अपने आप सिंगापुर को स्वतंत्र कर दिया था। और दोस्तों इस देश को पूरे वर्ल्ड में पेनल्टी कंट्री यानी जुर्माने के देश के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर छोटी छोटी चीजों पर इंसान पर जुर्माने का प्रावधान है। अगर यहाँ कोई व्यक्ति सिर्फ सड़क पर थूकता हुआ पकड़ा जाए तो उसको पूरे $1,000 यानी कि 74,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ ही अगर यहाँ पब्लिक प्लेस के टॉयलेट का इस्तेमाल करने के बाद फ्लश नहीं किया, इसके लिए भी आपको फाइन देना पड़ता है। शायद आपको ना पता हो तो मोनाको वेटिकन सिटी के बाद ऐसा देश है जिसकी कोई राजधानी नहीं, क्योंकि सिंगापुर अपने आप में ही एक कंट्री और सिटी दोनों मानी जाती है। इस देश की कोई भी बिल्डिंग 280 मीटर से ज्यादा ऊंची नहीं हो सकती और इस हाइट की अभी यहाँ 3 बिल्डिंग मौजूद है। इसी के साथ वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन मेड फाउंटेन भी सिंगापुर में ही देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ के सेंटेक सिटी में है। इसे 1997 में बनाया गया और इसे बनवाने में ही $6 मिलियन खर्च हो गए। दोस्तों मौत की सजा सुनाने में भी सिंगापुर आगे है, लेकिन यहाँ मौत की सजा ड्रग डील केस के मामलों में ही दी जाती है। सिंगापुर में एक बात और हैरान करने वाली है, यहाँ पर आधी आबादी का जन्मदिन अक्टूबर के महीने में ही आता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा ली और लिम सरनेम इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों सिंगापुर में बनाई जाने वाली चिली क्रैब डिश दुनिया की सातवीं सबसे लजीज
चीज डिश मानी जाती है और यहाँ पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश इलेक्शन में वोट कर सकता है। तो दोस्तों आपको सिंगापुर के बारे में अमेजिंग नॉलेज कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी